लेक्चर नंबर 6। बच्चों देखिए यहाँ पे आज हमने कुछ शार्ट क्वेश्चन टाइप सवाल जो है वो पढ़ने हैं। इसमें ये एग्जांपल्स हैं आपकी टेक्स्ट बुक जो मैथ की है फर्स्ट ईयर की, उसमें ये एग्जांपल्स लिखी हुई है। बेटे पहला है ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो। जरा सोचिए, आपने इतने साल मैथमेटिक्स पढ़ी है तो आप तो क्लियर जानते होंगे, जी हाँ, किसी चीज़ को जीरो से मल्टीप्लाई करें तो जीरो ही आएगा और क्या होगा। लेकिन दरहकीकत ऐसा नहीं है, आपने इसको लॉजिकली प्रूव करना है कि हमने ए को जो जीरो से मल्टीप्लाई किया है तो उसका आंसर जीरो क्यों है। इसलिए पहले हमने एक एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ए प्लस माइनस ए इक्वल टू जीरो पढ़ी हुई है आपकी। क्या नाम है इसका? एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है जी, हर दफा करते हैं हम, तो एक एलिमेंट जो है नेचुरल नंबर जो है वो अपने नेगेटिव में ऐड होता है तो आंसर जीरो आता है। तो ये क्वेश्चन जो है इसकी राइट साइड पे क्या है? जीरो, यानी वी हैव टू प्रूव जीरो, हमें जीरो प्रूव करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें ऐसी प्रॉपर्टी जो है वहाँ से इस क्वेश्चन को हल करेंगे जिसका आंसर क्या आता हो? जीरो आता हो, और वो आता है ओनली यूजिंग दी एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। देखिए आपको दो नंबर मिलेंगे शार्ट क्वेश्चन में उस वक्त जब आप इसे लॉजिकली हल करेंगे। लॉजिकली मीन दी बेसिक रूल्स ऑफ द मैथमेटिक्स, बेसिक रूल्स अबाउट द नंबर, जब आप वो यूज करेंगे तो तब आप, अब पहले ही आप इसमें जो है ना इसमें क्या लिख देंगे कि हाँ जी ये तो एडिटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव इनवर्स, ये एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। अब यहां से हम ए कॉमन लेते हैं, ए कॉमन लेते हैं तो वन प्लस माइनस वन आता है। ये कॉमन लेना जो है ना क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। क्या है जी? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और उसके बाद ये जो है ना क्या हो जाएगा, ए इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, दैट्स द प्रूफ। इस तरीके से आप जाकर इसको हल करेंगे, दो प्रॉपर्टीज के नाम लिखेंगे तो आपको एक नंबर और दो, एक नंबर ये, दो नंबर इस शार्ट क्वेश्चन के जाते मिलेंगे। ठीक है जी, ये आपका शार्ट क्वेश्चन है। और लॉजिकली क्या है, इसमें हमने दो प्रॉपर्टीज चूज की है, फर्स्ट एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी एंड सेकेंडली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वन माइनस वन इक्वल टू जीरो, एंड देन साबित हुआ कि ए मल्टीप्लाइड बाई जीरो इज इक्वल टू जीरो। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि आपको ए बी दिया हुआ है जीरो, एंड वी हैव टू प्रूव दैट बी इज इक्वल टू जीरो और ए इज इक्वल टू जीरो। देखिए आप ये पता नहीं कितनी दफा पढ़ चुके हैं कि ए बी बराबर है जीरो तो साबित करें बी, तो दोनों तरफ ए पर तकसीम करना है। देखिए एक सिंपल सा आप क्वेश्चन पढ़ते हैं कि चार एक्स बराबर है जीरो के, और बड़ी तेजी से आप बोलते हैं एक्स इज इक्वल जीरो। कहाँ से आया जी एक्स इज इक्वल जीरो? एक्स इज इक्वल जीरो आया जी, हमने दोनों तरफ चार पे तकसीम किया। देखिए आपने जो बेसिक रूल्स पढ़े थे नंबर्स के बारे में, उसमें कोई डिवीजन का रूल नहीं था, या एडिशन के थे या मल्टीप्लीकेशन के थे, बस ये दो थे। इसका मतलब यहाँ बी को जीरो साबित करने के लिए आपको ए जो है वो उस पर डिवाइड करना है, डिवाइड तो है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे दोनों तरफ वन और ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जीरो है इधर, किसे मल्टीप्लाई करेंगे? वन ओवर ए से। और लिखेंगे कि हमने इस पे कौन सा लॉ जो है वो यूज किया है, मल्टीप्लिकेटिव लॉ, ये हमने इस पे यूज किया है। ये कर सकते हैं क्योंकि पीछे हमने ये प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल नंबर में पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेटिव लॉ जो है दोनों तरफ आप सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं पिछली प्रॉपर्टी में कि जीरो इंटू समथिंग जो है ना वो क्या आता है, जीरो होता है, या ए से क्या होगा, कैंसिल होगा, बी इज इक्वल टू जीरो, ये वन आ जाएगा, ए से कैंसिल होगा वन आएगा। लेकिन आगे आप लिखेंगे कि आपने यहाँ भी एक रूल यूज किया है, वो था मल्टीप्लीकेटिव इनवर्सिव, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्सिव। ये नहीं है कि आप इसको लकीर मार दें और आप कहेंगे ये नजर आ रहा है ये तो कैंसिल हो सकता है, नो कैंसिल हो रहा है, लेकिन किस कानून के तहत? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लॉ के तहत। और नेक्स्ट भी जो है ना आप जब बी इज इक्वल टू जीरो लिखेंगे, बेशक ये वन मीनिंग लेस है, आप जानते हैं जी वन इंटू समथिंग तो वही एलिमेंट ही आएगा, लेकिन अब भी इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी लगी है
और इसे कहते हैं मल्टी इंडिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक हो गया जी, दैट्स द प्रूफ। आपने लॉजिकली इसको प्रूव किया है तो यूं आपको इसके नंबर लेना होता है मिल सकते हैं। अच्छा, इसमें बी जीरो साबित किया। इसी सवाल का दूसरा हिस्सा है कि ए बी इज इक्वल टू जीरो, देन प्रूव दैट ए इज इक्वल टू जीरो। तो वही सेम ऐड है, वहां आपने बी को जीरो साबित किया, यहाँ आपने ए को जीरो साबित करना है। तो यहाँ आप एक वही अमल करेंगे, दोनों तरफ हम रेसिप्रोकल बी का जो कैंसिल करना है मल्टीप्लाई